नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुर्मी समाज के आंदोलन पर सालखन मुर्मू ने जेएमएम को ठहराया जिम्मेदार, 1932 खतियान मुद्दे पर भी बोला हमला। एसटी में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को इसके लिए शीतकालीन सत्र तक का समय दिया। मांगों पर विचार नहीं होने पर वो झारखंड और ओडिशा में बृहद पैमाने पर आंदोलन या रेल रोकने की घोषणा की। वहीं इस मुद्दे पर आदिवासी संघर्ष अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि जन आंदोलन करने का अधिकार सबको है, पर इस एक्शन के खिलाफ आदिवासी समाज में व्यापक प्रतिक्रिया भी लाजमी है। उन्होंने झामुमो पर हमला बोलते हुए कहा कि कुर्मी या कुर्मी महतो को एसटी बनाने के मुद्दे के लिए जेएमएम सबसे अधिक दोषी है, क्योंकि इस पार्टी ने ही वोट के लालच और स्वार्थ के लिए कुर्मी महतो जाति को एसटी बनाने के लिए समर्थन देकर भड़काने का काम किया है। आप सबको बता दूं कि पहले जो है झामुमो के सभी सांसद विधायकों ने 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया था। सालखन मुर्मू ने कहा कि झामुमो का यह फैसला आदिवासी विरोधी है और यह आदिवासियों के नरसंहार का रास्ता प्रशस्त करता है। आदिवासियों के भोलेपन और राजनीतिक कुपोषण का फायदा उठाकर झामुमो आदिवासियों को सर्वाधिक नुकसान कर रहा है। सालखन मुर्मू ने कहा कि यह आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है कि जाने अनजाने में झामुमो बी टीम की तरह कार्यरत माझी परगना महल, असेका संथाली लेखक संघ और पंडित रघुनाथ मुर्मू से जुड़े अनेक सामाजिक संगठन, लुगु ब्रू कमेटी आदि आंख मूंद कर झामुमो का समर्थन देकर अपनी कब्र खोदने का काम खुद कर रहे हैं। सालखन मुर्मू ने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड पर टाल मटोल और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता के अव्यवहारिक मामले पर भी झामुमो ने आदिवासी समुदाय को ठगने का ही काम किया है। आदिवासी संघर्ष अभियान झामुमो के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक जन जागरण के कार्यक्रम को व्यापक करेगा और जरूरत पड़ी तो आदिवासी हित में झामुमो विरोधी राजनीतिक दलों से बातचीत भी करेगा। झारखंड की 64 लाख से अधिक लाभुकों को जल्द मिलेंगे साड़ी और धोती लुंगी। वर्ष 2022-23 में राज्य के 64.69 लाख राशन कार्डधारियों के बीच फिर से 2.58 करोड़ साड़ी धोती लुंगी का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार की ओर से 1.29 करोड़ साड़ी, 77.40 लाख धोती और 51.60 लाख पीस साड़ी की खरीद होगी। आप सबको बता दो कि अक्टूबर महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कंपनियों को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष सोना सोबरान साड़ी धोती लुंगी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत राशन कार्डधारियों के बीच साल में दो बार 10-10 रुपये में साड़ी धोती या लुंगी का वितरण किया जा रहा है। आप सबको बता दो कि पीडीएस दुकानों के माध्यम से इसका वितरण किया जा रहा है। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन साड़ी धोती लुंगी योजना ग्रामीण महिला पुरुष के लिए राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस योजना की मॉनिटरिंग करते हैं। लाभुकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने राशन दुकानदारों को शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने का निर्देश दे चुके हैं। अधिक से अधिक लाभुक इस योजना का लाभ उठा सके इसके लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। झारखंड में 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की होगी शुरुआत। झारखंड के हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर से होगा। कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवम्बर 2022 तक संचालित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि पिछले साल राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराने की उस पहल को अपार सफलता भी मिली थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 35.56 लाख आवेदन निष्पादित किए गए। इस प्रकार लगभग 99% आवेदनों का निष्पादन किया गया था एवं इससे आमजन काफी लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ इस राज्य में हुई बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया आदि पर भी इनकी प्रशंसा हुई। दिल्ली में झारखंड के 13 नाबालिग बच्चों को तस्करी के जाल से छुड़ाया गया, 14 साल की लड़की हुई गर्भवती।
राजधानी दिल्ली में झारखंड से तस्करी कर लाए गए कुल 13 नाबालिगों को बचाया गया है। इन 13 नाबालिगों में से 12 नाबालिग लड़कियां हैं, इनमें से एक 14 साल की लड़की गर्भवती है। ये सब नाबालिग झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर खुट्टी जिले के रहने वाले हैं। झारखंड सरकार से मिली जानकारी के अनुसार सभी नाबालिगों को बचा लिया गया है। पुनर्वास संसाधन केंद्र IRRC नई दिल्ली के नोडल अधिकारी नचिकेता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग, बाल संरक्षण विभाग और मानव तस्करी विरोधी इकाई की संयुक्त टीमों ने इन नाबालिग बच्चों को बचाया है। पुनर्वास संसाधन केंद्र यानी कि IRRC नई दिल्ली के नोडल अधिकारी नचिकेता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग, बाल संरक्षण विभाग और मानव तस्करी विरोधी इकाई की संयुक्त टीमों ने इन नाबालिग बच्चों को बचाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में छापामारी के दौरान इन बच्चों को छुड़ाया गया। IRRC के नोडल अधिकारी ने बताया कि इन बच्चों में एक 14 साल की बच्ची गर्भवती है, उसे 3 महीने का गर्भ है। आप सबको बता दूं कि कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर खुट्टी के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के कहने पर शुरू की गई थी। झारखंड सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि छापे के दौरान कई प्लेसमेंट एजेंसियों का पता चला जो अवैध रूप से काम कर रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुक्त कराए गए नाबालिगों को झारखण्ड लाया जा रहा है। झारखण्ड सरकार ने कहा कि सभी बच्चों को पुनर्वास किया जाएगा। झारखंड के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने जीता गोल्ड, एथलीट सपना कुमारी को कांस्य मेडल। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल की तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धा में झारखंड के गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता। गोल्डी ने फाइनल मैच में पंजाब के आजाद वीर सिंह को हराया। गोल्डी के इस जीत पर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बधाई दी। वहीं 110 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट सपना कुमारी को कांस्य पदक मिला। मंगलवार को इंडियन राउंड के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल मैच में झारखंड के चंदन क्यारी निवासी गोल्डी मिश्रा की भिड़ंत पंजाब के आजाद वेसी के साथ हुआ। इस फाइनल मैच में गोल्डी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के बाद अन्य साथी खिलाड़ियों ने गोल्डी को कंधे पर बैठा लिया। आप सबको बता दो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए झारखण्ड के 24 सदस्य तीरंदाजी के टीम कोच और मैनेजर के साथ गुजरात राजकोट गए। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के राजकोट में हो रहा है। इन खिलाड़ियों को पहले ट्रेन से गुजरात जाना था, लेकिन भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर हवाई जहाज से सभी खिलाड़ी गुजरात गए। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जल्द बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। राज्य के 3 शहरों यानी कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। तीनों शहरों को DPR तैयार कर ली गई है। कर्नाटक की परामर्शी कंपनी आईडेक ने 150 रुपये की लागत से निर्माण की योजना बनाई है। धनबाद और जमशेदपुर में ISBT के DPR को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। वहीं रांची में नगर विकास विभाग की फिजिबिलिटी कमेटी ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ISBT का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। रांची में रिंग रोड के पास दुबलिया में ISBT प्रस्तावित है। इसके लिए दुबलिया की 38 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। अंतर्राज्य बस अड्डे में 500 से अधिक बसों का रोजाना परिवहन संभव होगा। रिंग रोड से ISBT को अप्रोच रोड तैयार कर जोड़ा जाएगा। वहां एक साथ 170 बसों को खड़ा किया जा सकेगा। 350 यात्रियों के लिए वेटिंग प्लेटफॉर्म बनेगा। चालक और सहचालक के लिए डोरमेट्री, शौचालय, स्नानागार और फूड कोर्ट बनेगा। गुमला के गांव में दी जा रही थी बकरे की बलि, 4 साल के बच्चे को लगा धारदार हथियार, हुई मौत। झारखंड के गुमला में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गांव में बकरे की बलि देने के दौरान धारदार हथियार एक 4 साल के बच्चे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। पुलिस बच्चे के शव को जब्त कर मामले की जांच कर रही है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के गुमला में बकरी की बलि के दौरान 4 साल के बच्चे की मौत का मामला प्रकाश में आया है। आप सबको बता दूं कि मामला गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है। मंगलवार को महानवमी के अवसर पर गांव के देवी मंडप में एक के बाद एक बकरे की सार्वजनिक बलि दी जा रही थी। इस दौरान बलुआ यानी कि धारदार हथियार टूटकर 4 साल के बच्चे विमल उराव को जा लगा। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाने लगा, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कुर्मी समाज के आंदोलन पर सालखन मुर्मू ने JMM को ठहराया जिम्मेदार। 1932 खतियान मुद्दे पर भी बोला हमला।
एसटी में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को इसके लिए शीतकालीन सत्र तक का समय दिया। मांगों पर विचार नहीं होने पर वो झारखंड और ओडिशा में बृहद पैमाने पर आंदोलन या रेल रोकने की घोषणा की। वहीं इस मुद्दे पर आदिवासी संघर्ष अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि जन आंदोलन करने का अधिकार सबको है, पर इस एक्शन के खिलाफ आदिवासी समाज में व्यापक प्रतिक्रिया भी लाजमी है। उन्होंने झामुमो पर हमला बोलते हुए कहा कि कुर्मी या कुर्मी महतो को एसटी बनाने के मुद्दे के लिए जेएमएम सबसे अधिक दोषी है, क्योंकि इस पार्टी ने ही वोट के लालच और स्वार्थ के लिए कुर्मी महतो जाति को एसटी बनाने के लिए समर्थन देकर भड़काने का काम किया है। झामुमो के सभी सांसद विधायकों ने 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया था। सालखन मुर्मू ने कहा कि झामुमो का यह फैसला आदिवासी विरोधी है और यह आदिवासियों के नरसंहार का रास्ता प्रशस्त करता है। आदिवासियों के भोलेपन और राजनीतिक कुपोषण का फायदा उठाकर झामुमो आदिवासियों को सर्वाधिक नुकसान कर रहा है। सालखन मुर्मू ने कहा कि यह आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है कि जाने अनजाने में झामुमो बी टीम की तरह कार्यरत माझी परगना महल, असिका संथाली लेखक संघ और पंडित रघुनाथ मुर्मू से जुड़े अनेक सामाजिक संगठन, लुगु ब्रू कमेटी आदि आंख मूंद कर झामुमो का समर्थन देकर अपनी कब्र खोदने का काम खुद कर रहे हैं। सालखन मुर्मू ने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड पर टाल मटोल और 1932 के खतियान पर आधारित अस्थानीयता के अव्यवहारिक मामले पर भी झामुमो ने आदिवासी समुदाय को ठगने का ही काम किया है। आदिवासी संघर्ष अभियान झामुमो के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक जन जागरण के कार्यक्रम को व्यापक करेगा और जरूरत पड़ी तो आदिवासी हित में झामुमो विरोधी राजनीतिक दलों से बातचीत भी करेगा। नीट यूजी 2022 में मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 11 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन। नीट यूजी 2022 में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए नीट यूजी 2022 का नेशनल काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। पहले राउंड का काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 11 से 17 अक्टूबर तक होगा। वहीं च्वाइस फिलिंग और सीट लॉकिंग के लिए 14 से 18 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं सीट अलॉटमेंट 19 और 20 अक्टूबर को होगा। नीट यूजी के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन 22 से 28 अक्टूबर तक होगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 2 से 7 नवंबर तक होगा। नीट यूजी का पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन 22 से 28 अक्टूबर तक होगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 2 से 7 नवंबर तक होगा। च्वाइस फिलिंग या सीट लॉकिंग 3 से 8 नवंबर तक, सीट अलॉटमेंट 9 से 10 नवंबर और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 नवंबर को आएगा। वहीं नामांकन 12 से 18 नवंबर तक लिया जाएगा। तीसरा राउंड मैप ऑफ राउंड होगा। यह 23 नवंबर 2022 से होने की संभावना है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दशहरा मेला घूमने जा रहे 5 लोगों को ट्रक ने रौंदा, सभी की हुई मौत, एक परिवार से है 4 मृतक। झारखंड के रामगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बुधवार को कोयला लदे ट्रक ने 5 लोगों को रौंदा। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। ये सभी लोग दशहरा मेला घूमने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। जानकारी के मुताबिक बरका काना ओपी क्षेत्र के हेहल में दानिश पेट्रोल पंप के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ। लोगों ने बताया कि भुरकुंडा की ओर से कोयला लदा ट्रक आ रहा था। पेट्रोल पंप के पास अचानक वह अनियंत्रित हो गया और उसने 2 बाइक समेत सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।